भैया एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल देना। हाँ मैडम जी, लाया। जल्दी ले आओ भैया। ये लीजिए मैडम जी। सौरभ तेरे को, अरे सौरभ कहाँ चला गया? अभी तो यहाँ खड़ा था मेरे साथ में। भैया अभी मेरे साथ में मेरा छोटा भाई खड़ा था, वो कहाँ चला गया यहाँ से? नहीं मैडम, मैंने नहीं देखा आपका छोटा भाई। अरे भैया अभी तो मेरे साथ में एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था ना। अरे मैडम आप किस वाले रोड से आई थी? अरे मैं तो पीछे वाले रोड से ही आई हूँ। अरे मैडम वो वही होगा, वो क्या है ना वहाँ एक कुतिया भी आई हुई है और उसके बच्चे ना बहुत प्यारे प्यारे हैं, वो भी बच्चा है ना छोटा सा, तो खिलाने के लिए बैठ गया होगा। आप वहीं देखिए ना, जाइए। मैडम कोल्ड ड्रिंक। चल बाहर निकल, अब मेरी बात सुन, अगर तूने कुछ भी शोर किया तो तेरी गर्दन दबा के यहीं पे मार दूंगा, समझ में आई? चुपचाप घर आ रही, आवाज नहीं निकलनी चाहिए तेरी। हेलो, अरे बॉस। हाँ एक लड़का मिल गया है, बच्चा ही है अभी, आ जाओ। अरे हाँ किडनैप ही किया है भाई, मेरे पैसे लाना मत भूलना, 5 लाख ठीक है, और टैक्सी लेके आना, पर्सनल गाड़ी मत लेके आना, अगर नंबर मिल गया ना किसी को तो दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को, ठीक है? जल्दी आओ तुम लोग। अब सुन, एक क्लाइंट आने वाला है, मैं ना तुझे उसे बेच रहा हूँ, समझ में आया तुझे? आने ही वाले हैं वो लोग, फिर मैं तुझे लेके जाऊंगा उनके पास। हाँ बेटा, हाँ बेटा। सब कुछ उसे भी समझ में आ गया है और सब कुछ हमें भी समझ में आ गया है, तू किस तरीके से टायर में इस कट्टे को बांध के बच्चों की स्मगलिंग करता है, बच्चों की किडनैपिंग करता है। बेटा जाओ तुम पीछे PCR करिए ना, वहाँ जाके खड़े हो जाओ पुलिस वाले अंकल के पास। तुझे क्या लगा था कि तूने उस बच्चे को अपने प्लान में फंसाया है? तो तेरी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, तू और वो दुकान वाला दोनों मिलके बच्चों की स्मगलिंग करते हो, ये बात हम लोगों को पहले से पता चल चुकी थी, लेकिन हमारे पास में ना कोई सबूत नहीं था। जब भी कोई भी अपना बच्चा लेके उस दुकान पे जाता था तभी बच्चा गायब हो जाता था। तुम लोगों की ना बहुत शिकायतें आ रही थी हमारे थाने में, इसलिए ना हम लोगों को सबूत भी चाहिए था तुम्हारे खिलाफ। तो क्या था, हम लोगों ने अपने कांस्टेबल का बच्चा बुलाया और वहीं पर वही चीज का नाटक किया। मैं वहाँ पर उस दुकान पर सामान लेने के लिए आई और उसने मेरे को कॉल करके बताया और तू आ गया अपना ये बोरी और रस्सी लेकर उस बच्चे को किडनैप करने के लिए। अरे आप लोग गलत समझ रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो बच्चा इस बोरी के अंदर था, मैंने तो आगे उसे निकाला है, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। अच्छा तू क्या पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है? हा? तेरी बात ना किसी आम नागरिक से नहीं हो रही है, तो बेवकूफ बनाने की ना कोशिश मत करियो। मैं यहाँ की चौकी इंचार्ज हूँ और ये यहाँ की IPS ऑफिसर है, समझा तू? अपनी बकवास को बंद कर, और शायद तुझे पता नहीं है जिस बच्चे को तू यहाँ पे किडनैप करके लेके आया था, सॉरी जो बच्चा पार्ट था इस किडनैपिंग का, उसके जेब के अंदर ना एक स्मार्ट वॉच रखी हुई थी। जी हाँ स्मार्ट वॉच, और उसके अंदर ना बराबर हम ट्रैक कर रहे थे GPRS की मदद से कि तू उस बच्चे को कहाँ लेके जा रहा है, और यहाँ तक कि उसके अंदर ना कॉल भी कनेक्ट था। तो तूने जितनी भी बकवास करी है ना, वो सारी रिकॉर्डिंग ना उस वॉच के अंदर हो चुकी है, तो अभी भी तेरे पास मौका है, अगर चाहे तू सच बोल सकता है। और बेटा सुन, हम चाहते ना तुझे वहीं पे धर दबोचते, पर हमें ना तेरा अड्डा देखना था कि तू बच्चों को लेके कहाँ पे आता है और कहाँ से स्मगलिंग करता बच्चों की, इसलिए हमने उस बच्चे को तेरे को वहाँ से ले जाने दिया। सर मैं ना सारी चीजें बताता हूँ, मैं नहीं करवाता, मेरे ऊपर भी एक बॉस है, वो मुझसे ये सब करवाता, वो ना मुझे 5 लाख रुपए देता है एक बच्चे पकड़ने का, लेकिन स्मगलिंग वही करता है, वही विदेशों में भेजता है, और मेरे जैसे कम से कम 20 से 30 लड़कों को लगा रखा है, वो ऐसे ही स्मगलिंग करते हैं बच्चों की। नौटंकी करना बंद कर, तू भी उसके साथ ना उस गुनाह का गुनहगार है, और पैसों के लिए तुम कुछ भी करोगे, तुम पैसों के लिए छोटे छोटे बच्चों को उनके माँ बाप से अलग करके उनको विदेशों में भेज रहे हो। तुम्हें पता भी है उसके बाद में उन बच्चों के साथ में क्या होता है, उन बच्चों को उनके हाथ पैर काट के सिग्नल में बिठाकर भीख मंगवाई जाती है, और उसके बाद में ना बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको ना घरों में काम करने के लिए भेजा जाता है, उनको 2-3 दिन तक रोटी तक नसीब नहीं होती है। तुम लोग तो उनको उनके माँ बाप से अलग कर देते हो, उनका पूरा फ्यूचर खराब कर देते हो, और उसके बाद में तुम बोल रहे हो तेरी कोई गलती नहीं है। अरे इससे बात करने से होगा भी क्या, क्योंकि इसके अंदर तो दिल है ही नहीं है, अगर इसका खुद का छोटा भाई या फिर इसका खुद का बच्चा इसे स्मगलिंग का शिकार होता ना, जब इसको मालूम पड़ती कि बच्चे खोने का डर क्या होता है। तू देख, तुझे जेल में जाके हम लोग इतना तोड़ेंगे ना कि तू स्मगलिंग के नाम से भी घबराएगा, और तुझे क्या लगता है कि हम लोग बेवकूफ है? हमें ये भी पता है कि अभी थोड़ी देर में तेरा बॉस यहाँ पर वैन लेके आने वाला है। बेटा अब ना तू, तेरा बॉस और वो दुकानदार तीनों अच्छी तरीके से
जेल में जाने की तैयारी कर लो। मुझे ना माफ कर दो, गलती हो गई, पर आगे से मैं सच में कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं सबके बारे में बता दूंगा और सबको जा जाके पकड़वा दूंगा, बस आप ना मुझे छोड़ दो। तू ना यहाँ पे सिफारिश मत कर, अब बस तू इतना बता दे तू खुद से चलेगा या फिर यहीं पर तेरे में चाटे लगाना शुरू करूं। चल दे। चल बेटा बाहर पीसीआर खड़ी है, वहाँ चल के वेट करते हैं तेरे बॉस के आने का। चल चलता है कि नहीं?